आज हम लेक्चर नंबर 8 में मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे। तो इनइक्वालिटी में मॉडुलस फंक्शन बहुत यूज आता है। इस मॉडुलस फंक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन क्या होता है? एक्चुअली डेफिनेशन हमें वो जो 10th क्लास तक डेफिनेशन हम पढ़ते थे, पूरी लाइन जो लिखते थे, वो ये डेफिनेशन की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ डेफिनेशन होता है कि हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो फंक्शन है हम उसको एफ एक्स लेके चलेंगे। तो यहाँ होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इस मॉडुलस फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, सिंपल मॉडुलस ऑफ एक्स, इस तरह से यहाँ लिखा जाता है। अब ये जो मॉडुलस लिखा जाता है तो हमें पता है मॉड काम क्या करता है। मॉड क्या काम करता है, ये जो भी वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ आउटपुट में, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, हमें दिया है मॉडुलस ऑफ -2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। या फिर हमें दे दिया जाए मॉडुलस ऑफ -9.5, या फिर हमें ऐसा बोल दिया जाए सिंपल 3, या फिर हमें बोल दिया जाए 0। हम सभी में आंसर्स क्या लिखेंगे, -2 है तो हम +2 लिखेंगे, -9.5 है तो +9.5 आंसर आ जाएगा, 3 है तो 3 का मॉडुलस पहले से पॉजिटिव है तो वैसे ही आ जाएगा, 0 भी 0 आ जाएगा। तो मेन वर्क जो होता है हमारे मॉडुलस फंक्शन का वो क्या होता है, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। हाँ, पर वो वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए। जो टू डंडे दिख रहे हैं ना, दो डंडे दिख रहे हैं ना, ये दो डंडे हैं, क्या करता है, मार मार के उसको पॉजिटिव बना देता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो इस तरह से ये हमारी क्या है, ये हमारी पीस वाइज, सॉरी, ये हमारी डेफिनेशन है। अब इसकी पीस वाइज डेफिनेशन भी होती है, इसको हम समझते हैं। पीस वाइज डेफिनेशन क्या होती है, तो देखो कई बार क्वेश्चन होता है हमें मॉडुलस के फॉर्म में दिया जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, पर हम इस मॉडुलस में इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम चाहते हैं कि मॉडुलस को हम हटा दें, यानी कि मॉडुलस क्या हो जाए, मॉडुलस रिमूव हो जाए। तो ये मॉडुलस रिमूव कैसे होगा, इस चीज को जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस चीज का रिप्रेजेंटेशन, उसको हम बोलते हैं पीस वाइज डेफिनेशन। पीस वाइज मतलब, पीस मतलब क्या होता है, टुकड़े, तो टुकड़ों में डिफाइन करना। देखिए मैं इसको डिफाइन करके बताता हूँ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि मॉड एक्स। अच्छा देखो, अब डिफाइन करने का जो एक तरीका होता है, तो पहला तो हम देखेंगे जो बुक में लिखा है। तो ये पहला जो मेथड है, हम ये मेथड कौन सा देख रहे हैं, बुकिस मेथड। मेथड नहीं बोलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बोलना चाहिए, बुकिस रिप्रेजेंटेशन। तो बुक में कैसा हमारे रिप्रेजेंटेशन होता है, सारी जितनी अच्छी बुक्स हैं सभी में मॉड एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बनाया, क्यों, क्योंकि इसकी टू वैल्यू जाने वाली है। कितनी वैल्यू जाएंगी, टू वैल्यू जाएंगी। तो टू वैल्यूज क्या क्या होंगी, इनको हम देखते हैं अच्छे से। एक बार हम अंदर एक्स है तो एक प्लस एक्स वैल्यू लेंगे, और एक बार माइनस एक्स। तो एक बार हम क्या लेते हैं, प्लस एक्स वैल्यू लेते हैं, और एक बार क्या लेते हैं, हम माइनस एक्स वैल्यू लेते हैं। अब जो प्लस एक्स है, ऐसा नहीं कि हमेशा प्लस एक्स होगा, ये कब होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी कि एक्स या तो 0 के इक्वल मिले हमें, या फिर एक्स जो है 0 से बड़ा हो, लाइक 1, 2, 1.5, 9.5, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। और माइनस एक्स कब आएगी, जब एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी, जैसे कि -1, -2, -2.5, -3.5, इस तरह से जो वैल्यूज होंगी। मतलब x जब भी हमारा नेगेटिव होगा तो मॉड x को क्या लिखेंगे, माइनस x, और x जब भी हमारा जीरो या फिर पॉजिटिव वैल्यू हम जब पुट कर रहे होंगे x की जगह, तो हम प्लस x लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं पीस वाइज डेफिनेशन। अब एक और चीज यहाँ समझनी, एक डाउट आता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को, कि हमने अभी सीखा था मॉड हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये जो माइनस एक्स है, यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव कैसे हो गई, हाउ इज इट पॉसिबल। मैथमेटिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होते, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बल्कि मैथमेटिक्स में लेकिन कोई एक्सेप्शन नहीं होता, हर चीज एक लॉजिक के साथ होती है। तो जब मॉड के बारे में हमने बोला ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो फिर यह माइनस कैसे आ गया, माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हमें जानने को मिलेगी कि एक्चुअल में ये क्या दिख रहा है, नेगेटिव वैल्यू दिख रही है। पर अब कई बार ऐसा होता है ना, हम जो आंखों से देखते हैं वो सही नहीं होता, तो हमें हमेशा अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें
मन की आंखों से देखना चाहिए। तो मन की आंखों से हमें देखना है। मन की आंखों से कैसे देखेंगे, यहाँ देखो मैं देखना सिखाता हूँ मन की आंखों से कैसे देखा जाता है। ये वैल्यू दिखने में नेगेटिव है, पर एक्चुअल में ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव वैल्यू कैसे है, इसकी वजह से। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो है, इसका मतलब एक्स क्या वैल्यू लेगा, एक्स नेगेटिव वैल्यू लेगा। जैसे कि मैं साइड में यहाँ लेता हूँ एग्जाम्पल, साइड में हम एक कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि सपोज पहला केस, एक्स को मैंने ले लिया माइनस टू। अब माइनस टू लिया तो हमारी ये जो वैल्यू है मॉड के अंदर माइनस टू पुट करेंगे तो ये आएगा। तो जब माइनस टू लेंगे तो मॉड एक्स की डेफिनेशन कितनी है, माइनस एक्स है, तो हम मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू पुट करो माइनस टू, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यदि हम इसी की जगह सेकेंड एग्जाम्पल लें, एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, और हमें बोला जाए बताओ मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो प्लस थ्री, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो अब ये वाली वैल्यू ली जाएगी ऊपर वाली प्लस एक्स वाली, तो हम लेंगे प्लस एक्स, तो यहाँ पर थ्री पुट किया जाएगा तो ओनली थ्री मिल गया प्लस का, प्लस को लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो हम देखेंगे चाहे हम निगेटिव वैल्यू पुट करें चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक्स ऑलरेडी निगेटिव है और उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक और माइनस आगे लगा दिया, इसलिए ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। जबकि आंखों से लग रहा है कि ये क्या है, माइनस है, पर एक्चुअल में जब हमने मन की आंखों से देखा, लॉजिक यूज किया, तो क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। इसलिए हमेशा लॉजिक को यूज करना चाहिए। तो मैं जो एग्जांपल है इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, हमें जगह की जरूरत है। तो अभी हमने बुक केस रिप्रेजेंटेशन देखा जो कि बुक में मिलता है। अब मैं एक अपना रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ जो कि सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करे। इसको थोड़ी सी हम सफाई कर लेते हैं, इतना काफी है। अब मैं अपना माय ओन रिप्रेजेंटेशन ये आपको बताऊंगा ये कैसा होता है। तो देखो, अब मैं x की जगह, मैं बोलता हूँ x हमेशा जरूरी नहीं x हो, क्योंकि x को हम याद करते हैं ना, तो जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो वहां बहुत गड़बड़ हो जाती है। मैं इसको नाम दूंगा समथिंग, क्या नाम दूंगा, समथिंग। तो मैं बोलूंगा मॉड ऑफ समथिंग, बस आप एक बार देखते जाओ अच्छे से, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मॉड ऑफ समथिंग, और इस समथिंग को मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक बार ये हो जाएगा प्लस समथिंग, तो समथिंग को मैं शॉर्ट में लिखूंगा एच डी, एक बार प्लस समथिंग और एक बार माइनस समथिंग। तो प्लस समथिंग होगा तो उसके लिए एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन जैसे हमने प्लस एक्स के केस में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा था, तो अब यहाँ पर हम समथिंग के केस में क्या लिखेंगे, समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कई बार यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, हम सम प्लस समथिंग तो लिख लेते हैं लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हैं, क्योंकि हमने बुक वाली हमने याद कर लिए पीस वाइज डेफिनेशन, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं करना। एक माइनस समथिंग, और ये कब होगा, जब x लेस देन जीरो नहीं, जब समथिंग लेस देन जीरो होगा, तो ये वाली चीज हमें याद रखनी है। इसका फायदा क्या है, देखो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं हम। सपोज मुझे बोला है डिफाइन मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर को डिफाइन करके बताओ। एक्स प्लस फोर को अब डिफाइन कैसे करेंगे हम, एक बार प्लस समथिंग, देखो समथिंग मतलब अंदर जो भी चीज लिखी है, तो अंदर अभी समथिंग की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर जब लिखा है तो हम एक बार लिखेंगे प्लस ऑफ समथिंग, यानी कि प्लस ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस फोर, और एक बार माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस फोर। अब x प्लस फोर के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, जब x प्लस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर x प्लस फोर इज लेस देन जीरो। अब इसमें एक्चुअल में तो हमें x के लिए कंडीशन निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4x को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर, और यहाँ से x लेस देन माइनस फोर। तो यहाँ से अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x की जो वैल्यू है, x प्लस एक्स प्लस फोर कब होगी, जब एक्स की वैल्यू माइनस फोर से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, और माइनस ऑफ एक्स प्लस फोर कब होगी, जब एक्स की वैल्यू माइनस फोर से छोटी होगी। और देखो इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स
माइनस फोर है ना, ये हमारे लिखने के ऊपर है, सिंपल हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, एक सिंपल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। तो हमने अभी तक डेफिनेशन देख ली मॉड क्या होता है, ये चीज थोड़ी हमने जान ली, पीस वाइज डेफिनेशन हमने देख ली बुक में किस तरह की है वो भी, और मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ ये भी देख लिया, और एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये अभी हम देखेंगे, लेकिन यूज कौन सा करेंगे, जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया यही रिप्रेजेंटेशन हम यूज करेंगे। अब जो थर्ड थिंग जो हमें देखनी है, तीसरी चीज, वो क्या है, ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ हमें याद रखना है। अब देखो ग्राफ कैसा होगा, इसको हम सपोज चलो ग्रीन रेड कलर से बना लेते। अब देखो, अब मॉडुलस क्या करता है, जो भी निगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव बना देता है, और जो पॉजिटिव होती है उसको भी पॉजिटिव ही रखता है, मतलब पॉजिटिव ही पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी फैला, यानी कि हमेशा अच्छा ही अच्छा करता है, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा अच्छी लगती है और निगेटिव अच्छी नहीं लगती है। तो हम ऐसा बोले कि निगेटिव मतलब हारना, पॉजिटिव मतलब जीतना, तो ऐसी चीज जो हार को भी जीत में बदल दे, हारते हारते देता है, वो कौन है, मॉडुलस। और जब हम जीतते हैं तो एक साइन बनाते हैं कुछ, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है और इंडिया यदि जीत जाए तो कैसा सिंबल बनाते हैं सब ऑडियंस में, इस तरह का एक विक्ट्री सिंबल बनाते हैं। तो विक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक वी शेप बन रहा है, तो हम मॉडुलस को विक्ट्री सिंबल से याद रख सकते हैं, और हमें भी इसके ग्राफ में क्या बनाना है, विक्ट्री सिंबल। तो इसका ग्राफ एक विक्ट्री सिंबल होता है, तो मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं इस तरह से। इस तरह से हमारा ये ग्राफ हो गया। अब ये क्या दिख रहा है हमें, विक्ट्री सिंबल की तरह दिख रहा है। अभी ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, थोड़ा ज्योमेट्री की हम बात कर लेते हैं, इतनी सारी बातें की हमने। तो देखो जब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा था, तो मॉड एक्स यानी कि एफ एक्स, तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल थी, एक्स के, तो हम बोलेंगे ये ओरिजिन होता है, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमारी ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, अभी बस इतना याद रख लो कि ये आगे जो लाइन है इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एफ एक्स को हम वाई भी यूज करते हैं। और जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है तब हमें क्या यूज करना है, माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स यूज करना है उस केस में। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है ये क्या होती है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन में हम इन सब को अच्छे से देखेंगे, किस तरह से लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, बनाते हैं, और लाइन की इक्वेशन यदि दी है तो कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं लाइन को। तो इस तरह से ये हमने इसका क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। तो हमेशा याद रखो ग्राफ कैसा होता है, विक्ट्री सिंबल के फॉर्म में होता है। तो इस लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस किया, अभी हमने केवल फंक्शन के बारे में जाना है ना, जैसे कि एक पर्सन होता है, उस पर्सन को पहले उसका नाम, फैमिली, रिलेटिव जानते हैं, उसी तरह हमने इसकी फैमिली, इस पर्सन के बारे में, नेचर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जाना है, पर इस फंक्शन का यूज कैसे करना है, मतलब कोई पर्सन है उसका नेचर तो जान लिया, लेकिन उस पर्सन से दोस्ती करके हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसकी हेल्प कैसे ले सकते हैं अपने काम में, ये अभी हमें सीखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उससे हम मॉडुलस को यूज कैसे कर सकते हैं, आगे कुछ लेक्चर्स पूरे मॉडुलस पे होंगे, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 एडवांस लेवल तक जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं मॉडुलस पे हमें बात करने के लिए, पहले इक्वेशंस बात करनी है, देन इन इक्वेशंस इनइक्वालिटीज की बात करनी है। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।